पेंसिल किसकी है भाई? ओहो चाचू, बैंक जाने में देरी हो रही है, अब चलिए ना। ओ हाँ दीजिए चल, और ये ले तेरे लिए एक पेंसिल। ओहो चाचू, रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे में रास्ता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओ वो देख भतीजे, सजेशन बॉक्स। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बढ़ता है कि हम इस शहर के विकास के लिए सही सुझाव दें। मुझे वो पेंसिल दे। ओ इस टूटी फूटी सड़क को इतना स्मूथ बना दो जैसे कि मक्खन। अरे चाचू, ये रास्ता तो सच में मक्खन जैसा बन गया है। ये स्कूटर अचानक कितना तेज कैसे चल रहा है? अरे फिसल क्यों रही है? अरे जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। क्या इस पेंसिल से लिखी बात सच हो जाती है? मुझे चेक करना होगा। डंका की गन से गोली की जगह गुलाब निकले। शुक्रिया चोर जी, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। बकवास बंद करो, सारा पैसा मेरे हवाले कर दो जल्दी। अभी मुसीबत ढोलकी के सिर पर गिरे। ओए ढोलकी भाई, तुम क्यों लोगों को डरा रहे हो? ये पंखा हवा में ही रुक जाए। चाचा होशियारी नहीं, और हाथ ऊपर। ये सारे नोट के बंडल पत्थर बन जाए। जीजे, लगता है कुछ ज्यादा ही पैसे लूट लिए। आप बंदूक नीचे की लात आकर डंका ढोलकी को लगे। बावड़ी बोझ भैंस की पूंछ। मैडम जी कहाँ जा रहे हो, मैं भी आया। ओहो हो, इतनी लंबी छलांग अगर मैडम जी ने स्पोर्ट्स में लगाई होती तो आज रिकॉर्ड बनता। कौन कहता सर कि पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती है? कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। बंदूकनी जी, ये सारा कमाल इस स्पेशल पेंसिल का है, इससे जो भी लिखो सब सच हो जाता है। ये पत्थर फिर से नोट के बंडल बन जाए। ओए जी, इस डंका को लेकर जाओ, वो टोलकी भी जल्द ही पकड़ा जाएगा।
शंका ढोलकी ने बैंक का क्या हाल कर दिया? आज के लिए बैंक बंद। ओए जी, बैंक बंद करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा अपनी इस स्पेशल पेंसिल से। ये सारी टूटी हुई कुर्सियाँ फिर से जुड़ जाएं। क्यों चाचा, स्पेशल पेंसिल काम नहीं कर रही? चीचे की हथकड़ी खुल जाए। बंदूकनी की जीप का टायर पंचर हो जाए। बावड़ी पूछ भैंस की पूछ और कहाँ भाग रहा है? बंदूकनी के रास्ते में एक बड़ी दीवार आ जाए। वाह वाह, करामाती पेंसिल, दिखा अपना कमाल। बैंक के सारे पैसे चलकर मेरे पास आ जाए। रहने दो चाचा, ये आपके स्पेशल पेंसिल के बस की बात नहीं है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? चाचू, आपके हाथ में एक मामूली पेंसिल है। लगता है स्पेशल पेंसिल किसी गलत हाथ में चली गई है। हमें इन पैसों का पीछा करके उन चोरों तक पहुँचना होगा। चीजे, ये क्या कर दिया तुमने? पैसे लिखे इसलिए बैंक से कॉइन्स आ रहे हैं। रुपये लिखते तो नोट आते, अब इन चिल्लर का हम क्या करेंगे? अरे ये क्या, पैसे पेड़ पर नहीं उगते पर रास्ते पर खुलेआम घूम रहे हैं। तुम्हारी सही जगह मेरी जेब में है। ये तो चीटिंग है। डंका ढोलकी, स्पेशल पेंसिल तो तुम्हारे हाथ लग गई, पर उसका सही इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पैसे नहीं पूरा लॉकर ही मंगवा लेता और लिखता कि बैंक का लॉकर मेरे हाथ में आ जाए। बात तो ये सही कह रहा है ढोलकी। बैंक का लॉकर मेरे हाथ में आ जाए। कर लिया। इस लॉकर को मेरे हाथों पे से हटाओ। भतीजे, ज्यादा होशियार बन रहा है। हाँ, अब देख मैं क्या करता हूँ। चाचा भतीजा एक रस्सी से बंध जाए। चाचा और भतीजे पर एक रॉकेट का हमला हो। भतीजे, वो अब क्या होगा? चाचू, आप सांस अंदर खींचिए। नहीं बचे। चाचू, ढोलकी ने लिखा कि चाचू और भतीजा पर एक रॉकेट का हमला हो, यानी रॉकेट हम दोनों पर साथ में हमला करेगा। पर अगर हम साथ में नहीं होंगे तो रॉकेट किसी एक पर हमला नहीं कर पाएगा। तो चाचू अलग अलग दिशा में भागते हैं। ढोलकी, आज मैं मान गया कि आप जैसा महान कोई नहीं। ओए पतीजे, ये तू क्या बोल रहा है? चाचू, मैं तो कहता हूँ आप भी मान लो कि फंटोश नगर के असली हीरो डंका ढोलकी ही हैं। इनके जैसे शक्तिशाली, स्मार्ट और इंटेलिजेंट चोर हमने नहीं देखे। क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे प्लीज? ऑटोग्राफ? जरूर जरूर। आखिर ये भतीजा हमारे सामने
हार ही गया। ये लो ऑटोग्राफ टंका ऑल बॉल की। अब जरा पढ़ना तो ये पूरी लाइन क्या बनी है। टंका और ढोलकी पर एक रॉकेट का हमला हो क्या? नहीं। अरे मार दिया रे। इतने छोटे पेंसिल के टुकड़े का क्या करेगा भतीजे? डंका ढोलकी को फंटूश नगर की जेल पहुंचा दो। हमसे पंगा लेने का होगा पूरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, 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 चाचा और भतीजा।